देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। नाना पटोले पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय विधायक और निष्क्रिय सांसद रहे हैं, ऐसा कहना है लखनदो तहसील के लोगों का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। सांसद रहते समय उन्होंने क्या विकासात्मक कार्य किए? विकासात्मक कितने लोगों को, देखिए कितने लोगों को उन्होंने रोजगार मुहैया करा के दिया? रोजगार तो मुहैया नहीं करा पाए, नहीं पाए। अच्छा, उसके बाद कितने लोगों को उन्होंने फसल के दाम दिला पाए या फसल की आर्थिक मदद दिला पाई है पिछले 5 वर्षों की? फसल के लिए शेतकरी लोगों के लिए वो पहले से उसका ये है। देखिए किसानों के लिए तो किसानों के नेता कहलाते नाना पटोले, लेकिन पिछले 5 वर्षों में केंद्र में सरकार थी भाजपा की और यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के विधायक यानी जो सांसद है वो भी नाना पटोले थे, तो उन्होंने कितने लोगों को दाम दिला पाए हैं? दाम अभी वो ये दिलाने में असमर्थ रहे वो। अच्छा, कितने लोगों को उन्होंने शिक्षा के लिए मदद की हुई है यानी गवर्नमेंट की तरफ से जब राज्य सांसद रहते समय की है, आपको कुछ पता है? नहीं, वो पता वो नहीं पता। कितने लोगों को, कितने युवा वर्गों को उन्होंने सरकारी नौकरियों में लगाने के लिए मदद की हुई है यानी स्कॉलरशिप वगैरह एजुकेशन वगैरह लेने के लिए, ऐसे कितने लोगों ने? स्कॉलरशिप तो अभी तो बंद हो गई इस सरकार में, पहले का सरकार में शुरू थी। हाँ वो तो सरकारी, लेकिन क्या होता है इनका जो स्थानीय विधायक का फंड होता है उसमें से भी वो स्कॉलरशिप के तौर पे बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो सरकारी यंत्रणा के थ्रू उसको स्कॉलरशिप के लिए उसको पढ़ने के लिए मदद करते हैं। बराबर है ना? कितने लोग हो गए तो अभी उनके हो गए ना, तो अभी इतना तो सरकारी रिकॉर्ड हम देख चुके हैं उनका, सरकार रिकॉर्ड के मुताबिक तो नहीं है वैसा। तो भी प्राइवेट ही दिए होंगे उन्होंने, सभी तो सरकारी नहीं दिला पाए। नहीं दिला पाए। भाजपा की सरकार बैठने के बावजूद यहाँ काम हुए क्या उनके? नहीं 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 नहीं, केंद्र में जब वो लोकसभा में सांसद चुन के गए, नहीं कोई काम नहीं, कोई काम नहीं वैसे। यानी यहाँ के लोगों का मानना है कि जब केंद्र में भी सत्ता थी और राज्य में भी सरकार भाजपा की थी, ऐसे 10 साल के दौर में नाना पटोले ने यहाँ वह जो काम करने थे, जो लोगों ने उन पर विश्वास था, उस तरीके से यहाँ के लोगों के उनके काम नहीं हुए हैं। कि केंद्र में भाजपा की सरकार आई और केंद्र के जब ये सांसद थे तब भी भाजपा की सरकार थी और यहाँ के भी वो तब लोकसभा क्षेत्र के सांसद रह चुके, तो क्या काम किए उन्होंने? काम तो किए लेकिन भाजपा में ज्यादा से ज्यादा काम नहीं किए, मुझे काम नहीं कर पाए। लगभग हमने जैसे अभी लोगों से जब चर्चा की है तो लोगों ने कहा है कि वो अभी कांग्रेस में आए हैं तो काम करेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, ऐसा लोगों का ही मानना है। मैं कैमरामैन नीलेश पश्चिम के साथ निशान भाई। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए और MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। बेबी? हाँ? नहीं मैगी? हाँ प्लीज। ऑसम मैगी, वेज आटा मैगी। आटा मैगी? तुम बताते नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ कुछ बातें बता देनी चाहिए। रोड ट्रिप सॉन्ग्स ये क्यों? मैं गाऊंगी ना गोवा टू मुंबई, याद नहीं है वो कौन सा गाना था? याद है इसीलिए। बुरा गाते हो? बहुत बुरा। अपनों की कुछ बातें सरप्राइज कर जाती हैं, जैसे नई वेज आटा मैगी का ऑसम टेस्ट जिसमें है सुनहरे गेहूं की गुडनेस, रंग बिरंगी सब्जियां और 20 चुनिंदा मसाले। नई वेज आटा मैगी, कुछ अच्छा पकाएं, आओ मैगी बनाएं। नेस्ले।